बच्चों, आप सभी को मैं अर्चना प्रकाश गोमती नगर लखनऊ से मेरा प्यार अनुवाद है। बच्चों, आप उम्मीद है उर्वरा भूमि है देश और समाज के भविष्य। आपके संस्कार, शिक्षा और मानवता के भाव बड़ों, वृद्धों और बुजुर्गों का जीवन आधार होते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी मन की बात। मैं कहानी सुनाती हूँ मन की बात। गर्मी की छुट्टियाँ थी, सभी स्कूल बंद थे, लेकिन सोनम का स्कूल घर के पास ही था और वहाँ पर एक कोठरी में स्कूल का चौकीदार सपरिवार रहता था, इसीलिए स्कूल का गेट भी अक्सर खुला रहता था, जिससे मोहल्ले के बच्चे सोनम के साथ स्कूल के मैदान में सुबह शाम खेलने चले जाते थे और झूले वगैरह झूल कर अपने घर लौटते थे। एक दिन सुबह जब सोनम दूसरे बच्चों के साथ शाम को खेलने स्कूल के कमरे में गई तो उसे वहाँ पर बहुत सारे मोरपंखी पड़े हुए मिले। उसने सारे मोरपंख इकट्ठा कर लिए और घर आकर अपनी मम्मी को मोरपंख दिखाए। उसकी मम्मी ने कहा, बहुत सुंदर पंख है, जरूर वहाँ दोपहर में मोर नाचते हैं। फिर वे सोनम से बोली, तुम कल दोपहर में स्कूल के लॉन में छुप जाना। क्यों मम्मा, सोनम ने पूछा तो उसकी मम्मी बोली, क्योंकि मोर किसी के सामने नाचता नहीं है, लेकिन सन्नाटे में मोर मोरनी दोनों मिलकर झूम कर नृत्य करते हैं। तुम्हारा स्कूल शहर से बाहर एकांत में है, इसलिए शायद मोर वहाँ आते होंगे। अगले दिन शाम से कुछ पहले सोनम स्कूल के कॉरिडोर के खंभे के पीछे छुप गई। थोड़ी देर में उसने देखा एक सुंदर सा मोर स्कूल के लॉन में आया। लॉन में बीचों बीच खड़ा होकर वो पी हूँ पुकारने लगा। तभी वहाँ पर थिरकू मोरनी गोल गोल थिरकते हुए आई और पहले से खड़े हुए मोर से झूम झूम करके गर्दन चारों ओर हिला हिला कर यानी नृत्य करने का आग्रह करने लगा। दोनों प्यार से गले मिले, फिर झूमू मोर नाचने लगा। नाचते नाचते उसने अपने पीछे के सारे पंख फैला दिए और पूरे लॉन में गोलाई से घूमकर झूमने लगा। झूमते हुए झूमू अपने पूरे शरीर को और पंखों को खूब जोर से हिलाता। तभी थिरकू मोरनी भी उसके साथ लय ताल मिलाकर खूब नाचती। सोनम खंभे के पीछे से ये अद्भुत नजारा देख रही थी। झूमू और थिरकू मोरनी लगभग आधे घंटे तक हरी घास के लाल पर थिरकते रहे। उनके इंद्रधनुषी पंख पूरे लॉन में बिखर गए। तभी मुख्य द्वार से चौकीदार की आहट हुई और थिरकू और झूमू दोनों एक साथ उड़ गए। उड़ने से पहले दोनों ने गर्दन व आंखों से एक दूसरे को कुछ इशारा किया। अब सोनम समझ गई कि शायद वे दोनों अगली शाम दोबारा मिलने का वादा कर रहे हैं। मन की बात समझना इसी को तो कहते हैं। सोनम मन ही मन समझ गई कि घर आकर सोनम ने फिर मम्मी को ढेर सारे पंख दिए और मोर मोरनी के अद्भुत नृत्य का बखान किया। उसकी मम्मी बोली, बेटा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंखों में इंद्रधनुष के सातों रंग होते हैं, इसी से यह नृत्य करते समय बहुत सुंदर दिखते हैं और इनके सिर पर कंगी नुमा रंगीन मुकुट होता है। जब वो नाच रहा था तब मैंने उसका मुकुट भी देखा था मम्मा, सोनम बोली। इन पंखों से मैं सुंदर सजावटी सामान बनाऊंगी और बचे हुए मोर पंख हर कमरे की खिड़की और
रोशनदानों पर लगाऊंगी। मम्मी, स्कूल खुलने पर सोनम ने सभी सहपाठियों को जुगनू मोर और टिप्पू मोरनी के नृत्य के किस्से सुनाए और मोर पंखों की उपयोगिता भी समझाई। धन्यवाद बच्चों।